हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया है। रतनलाल कटारिया ने बीती रात पीजीआई में अंतिम सांस ली। वे पिछले कई दिनों से निमोनिया के चलते पीजीआई में भर्ती थे। उनकी अंतिम यात्रा सेक्टर 4 एमडीसी से सुबह 11:30 बजे निकलेगी। अंतिम संस्कार दोपहर 12 बजे शमशान घाट मनी माजरा में किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज समेत अन्य तमाम दिग्गज नेताओं ने मुलाकात कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। गौरतलब है कि रतनलाल कटारिया का राजनीतिक सफर 1980 में शुरू हुआ था। रतनलाल कटारिया को 1980 में भाजयुमो का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद वे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश मंत्री, अनुसूचित जाति मोर्चा के अखिल भारतीय महामंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री तक के सफर के बाद उन्हें जून 2001 से सितंबर 2003 तक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 1987 से 1990 में प्रदेश सरकार के संसदीय सचिव एवं हरिजन निगम के चेयरमैन भी बने। जून 1997 से जून 1999 तक वे हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन रहे। 6 अक्टूबर 1999 को रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2014 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार वाल्मीकि को हराकर जीत का रिकॉर्ड बनाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अंबाला सीट पर भाजपा ने रतनलाल कटारिया पर तीसरी बार दांव खेला था। तजुर्बे और पुराने चेहरे के चलते ही भाजपा ने रतनलाल कटारिया को अंबाला लोकसभा आरक्षित सीट से मैदान में उतारा। हालांकि इसी सीट से राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा से वैद्य लगातार 2 बार हार चुके थे, लेकिन वर्ष 2014 के चुनाव में उन्होंने जीत का रिकॉर्ड बनाया। वे 1999 में भी इसी सीट से ही सांसद रह चुके हैं। 2014 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार वाल्मीकि को हराया था। 2019 में कुमारी शैलजा को हराकर उन्होंने अपनी पुरानी हार का बदला भी ले लिया था। अपने लंबे राजनीतिक तजुर्बे और बेदाग छवि के चलते रतनलाल कटारिया को पार्टी ने टिकट दिया था। उनके निधन पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने गहरा शोक प्रकट किया है।